नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 17 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन जैसा लगेगा, हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम किसी भी चैप्टर को समझाते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि एक कमजोर छात्र को 100% में समझ में आए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में कोई भी मैथमेटिक्स में कमजोर छात्र न बचे, उन तक हमारी वीडियो को शेयर करके उनकी, हमारी और पूरे देश की मदद करेंगे। ट्रेनिंग क्लास को पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुल 17 वीडियो है, जिसमें आयु संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। आज हम लोग पार्टनरशिप की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप सारी क्लास को पढ़ के आएंगे, आपको 100% में समझ में आएगा। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे चैप्टर समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट क्वेश्चन हैं, जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, सारे समय समय पर अपडेट होंगे। आपके डाउट तभी लिए जाएंगे यदि आप हमारी हर वीडियो को पढ़ते हैं और आप हर वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। यदि आप हर वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं तो आपका डाउट मैं नहीं ले पाऊंगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो भी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए, मार्केट की किसी भी किताब को हल करने के लिए पर्याप्त हैं, आपका दिमाग के स्तर को बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त हैं। इसकी सहायता से आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी हम सारी चीजों को अपडेट करेंगे। लिखिए, ए तथा बी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ए तथा बी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जिनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, जिनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। ए काम करने वाला पार्टनर है जबकि बी आराम करने वाला पार्टनर है, बी आराम करने वाला पार्टनर है। दोनों में यह तय होता है कि कुल लाभ का 25% पहले ए को दिया जाएगा, कुल लाभ का 25% पहले ए को दिया जाएगा, फिर बचे हुए लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा, पूंजी के अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार यदि ए को 200 रुपया ज्यादा मिला है, 200 रुपया ज्यादा मिला है, तो कुल कितना लाभ हुआ था इसको आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था। ये ए है और ये बी है, लगाई गई पूंजी का अनुपात है 2:3। तो लाभ का बंटवारा भी किस अनुपात में होना चाहिए, 2:3 में। लेकिन क्वेश्चन में है कि ये भाई साहब अपनी पूंजी भी लगाते हैं और बिजनेस में शुरू से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिजनेस में उपस्थित भी रहते हैं। ये भाई साहब पूंजी तो ज्यादा लगाते हैं लेकिन बिजनेस में उपस्थित नहीं रहते हैं, पूरी आराम करते हैं, घर में रहते हैं, घूमते हैं। तो दोनों में यह तय होता है कि कुल लाभ का 25% पहले ये लेगा। यदि मान लीजिए कि कुल 100 रुपए का लाभ हुआ है, ये 100 ही क्यों माना, तो कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 और 3 का मल्टीपल 50, 25, 200, 400 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने 70 माना था। तो दोनों में इसका 25% पहले ए को दिया जाएगा।
पहले ए को देंगे तो आप ही बताइए इसका 25% कितना होता है, 25 रुपया मिलेगा इसको। 25 रुपया यदि भाई साहब ले लेंगे तो अब बचेगा कितना, 75 बचेगा, 2 और 3 बचा हुआ लाभ यदि 75 है तो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ये 75 गुना है तो इसको मिलेगा, सॉरी 15 गुना है तो इसको मिलेगा 15 या 45 और इसको मिल जाएगा पुनः 30 रुपया। ठीक है, यानी 75 में फिर इसकी हिस्सेदारी बनेगी 30 रुपया, तो 30 यदि यहां मिलता है तो इसको मिल जाता है 55 और इसको तो मिलेगा 45 का 45, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, दोनों को यदि 100 रुपया मिलता है लाभ तो इसको मिलेगा 55, इसको मिलेगा 45, लेकिन दोनों का गैप कितना आ गया, कितना ज्यादा पाया है ये 10 रुपया ना, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 100 किसने कहा था मानने के लिए, अपने मन से माना है, तो यदि 100 अपने मन से माना है, अपने मन से माना है तो ये भाई साहब इससे 10 रुपया ज्यादा पाएंगे, लेकिन अपने मन से नहीं मानना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि यहां 200 का गैप होना चाहिए, 200 का क्वेश्चन में 200 रुपया ज्यादा पाया है, ये 20 गुना है तो इसको आपको 20 गुना करना पड़ेगा, यानी कि कुल लाभ 2000 रुपये का हुआ था, 2000, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये जितना गुना है 20 गुना, तो इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें अब समय का बात होगा, अब तक जितने भी हमने 7 क्वेश्चन कराया है उसमें समय का जिक्र नहीं था। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें समय आएगा, समय समय बातों को समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए ने लगाया 4000 रुपया, बी ने लगाया 3000 रुपया, तो इनके पूंजी का अनुपात 4:3 हुआ। ठीक है, यदि क्वेश्चन में हुआ कि ये अपनी धनराशि लगाया 5 महीने के लिए और इन्होंने अपनी धनराशि लगाया 3 मंथ के लिए, ठीक है, बातों को समझिए, 4 लगाया 5 महीने के लिए तो इसको लाभ मिलेगा 20 रुपया, 3 लगाया 3 महीने के लिए तो इसको लाभ मिलेगा 9 रुपया, यानी कि ये पूंजी हुआ और ये हुआ समय, पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ बनाता है, पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ बनाता है। कितना पूंजी लगाए, कितने समय के लिए लगाया, और यही हमारा होता है प्रॉफिट। दूसरा कितना लगाया, कितने समय के लिए लगाया, यही होता है उसका प्रॉफिट। ठीक है ना, तीसरा आदमी कितना लगाया, कितने समय के लिए लगाया, वही होता है प्रॉफिट का अनुपात। ठीक है ना, बातों को समझिएगा, कितना लगाया, कितने समय के लिए लगाया, प्रॉफिट बनता है, कितना लगाया, कितने समय के लगाया, प्रॉफिट बनता है कितना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की सहायता से हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको आप लोग अटैक कीजिएगा। ठीक है, लिखिए एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जिनकी लगाई गई पूंजी, जिनके द्वारा लगाई गई पूंजी 5000, 2000 तथा 3000 रुपये है, 5000, 2000 तथा 3000 रुपये है, तथा इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात, तथा इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 3:4:2 है, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 3:4:2 है, यदि उस व्यवसाय से, यदि उस व्यवसाय से 8700 रुपये का लाभ हुआ है, 8700 रुपये का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक का लाभांश अलग अलग बताएं, प्रत्येक का लाभांश अलग अलग बताएं, प्रत्येक का लाभांश का मतलब लाभ का अंश,
ध्यान से देखिएगा, ये लगाया 5000, ये लगाया 2000 और ये लगाया 3000, ठीक है। तो लगाए गए पूंजी का अनुपात हुआ 5, 2 और 3, ठीक है। ये लगाया 3 महीने के लिए, ये लगाया 4 महीने के लिए और ये लगाया 2 महीने के लिए, ठीक है। तो ये पाएगा 15 रुपया प्रॉफिट, ये पाएगा 8 रुपया प्रॉफिट, तो ये पाएगा 6 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। 15, 8, 23, 23 और 6, 29 रुपया कुल लाभ होगा। कुल लाभ यदि 29 का होगा तो इसको मिलेगा 6, इसको मिलेगा 8 और इसको मिलेगा 15। लेकिन कुल लाभ यदि 8700 है, इससे कितना गुना, 300 गुना, तो इसको भी आप 300 गुना करेंगे, 1800 इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 3×8=2400 और इसको मिल जाएगा 4500, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पे एक ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा जो आपसे नहीं बनेगा, न विश्वास है तो देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बी तथा सी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ए बी तथा सी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जिनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, जिनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 5:2:3 है, जिनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 5:2:3 है, यदि उनके लाभांश का अनुपात, यदि उनके लाभांश लाभ का अनुपात 2:1:4 है, 2:1:7 है, 2:1:7 है, तो इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात बताएं, तो इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात बताएं। ठीक है, थोड़ा सा अटैक करेंगे आप, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा, 5, 2 और 3 पूंजी का अनुपात है और सीधे लाभ का अनुपात दे रखा है 2:1:7, यानी यहां समय से गुणा किया गया होगा, गुणा किया गया होगा तभी तो 2 आया होगा, यहां समय से गुणा किया गया होगा तभी तो 1 आया होगा, यहां समय से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा इतना, यानी T1:T2:T3 जो होगा, ये जो 5 यहां गुणा करने के बाद 5×T1 = यहां पे 2 है, तो T1 = क्या होगा, 2/5 होगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 नीचे आएगा, 1/2 हो जाएगा 2 और 7/2 हो जाएगा 3। ये कैसे है, समझ में आया है, बिल्कुल करेक्ट। 5 में T1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, तो T1 = क्या होगा, 2/5, यानी 2 ऊपर जा रहा है तो 5 नीचे आ रहा है, उसी प्रकार से 1 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, उसी प्रकार से 7 ऊपर है तो 3। बचपन में ही बताया गया था, ट्रेनिंग में बताया गया था कि रेशियो को भिन्नात्मक रूप में कभी नहीं छोड़ना है, रेशियो को भिन्नात्मक रूप में कभी नहीं छोड़ना है। तो हटाने का तरीका बहुत सारे बताए गए हैं, वहीं पर अप्लाई करूंगा जो सबसे आसान होगा। 3×6×12, ये 12 रुपया प्रॉफिट पाएगा, तो ये पाएगा 3×5=15 शुरू वाली क्लास ट्रेनिंग देखेंगे, इसको ढकेंगे 5×10=70 ये, तो यही है आपका समय का अनुपात, समय का अनुपात है, ये समय का अनुपात है, 12, 15 और 70, ठीक है ना। ये कैसे हुआ है, आपको ट्रेनिंग का टाइप नंबर 1 को ध्यान से पढ़ना होगा तो ही आप लगा पाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। समझ में आया है, लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बी तथा सी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ए बी तथा सी मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, एक कुल पूंजी का एक तिहाई भाग एक तिहाई समय के लिए लगाता है।
बी एक बटे दो भाग, बी एक बटे दो भाग एक बटे दो समय के लिए लगाता है, एक बटे दो समय के लिए लगाता है। शेष भाग सी पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगाता है। यदि यदि समय के पश्चात समय अंतराल एक साल दो साल, यहां नहीं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ समझाना है हमें, समय के पश्चात कुल लाभ यदि 3800 रुपया है, 3800 रुपया है, तो प्रत्येक का लाभांश अलग अलग बताएं, प्रत्येक का लाभांश अलग अलग बताएं। देखिए इसको दो मेथड से हम बताता हूं, जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये भाई साहब लगा दिए एक बटा तीन, एक बटे तीन समय के लिए लगा दिए, ठीक है। ये लगा दिए एक बटा दो, एक बटे दो समय के लिए, ये हो, ये बी हो गया, और ये सी। सी कितना लगाया आप कैसे बताएंगे? सी बताएंगे आप तब जब एक तिहाई और एक बटे दो को जोड़ के एक में से घटाएंगे, ठीक है। तो एक देखिए इससे हो जाएगा छः, तीन दूनी छः दो प्लस तीन, एक में से पाँच बटा छः घटाएंगे तो ये आ जाएगा एक बटा छः। एक बटा छः कैसे आया? और ये लगाया पूरा समय का, पूरा समय का मतलब एक ले लेंगे। एक क्यों लिया? क्योंकि एक तिहाई एक का एक पार्ट होता है, एक तिहाई समय के लिए, यानी एक का तीन हिस्सा। ये लगाया भाई साहब एक बटा दो आधे समय के लिए, और ये लगाया है पूरा, यानी कि एक एक साल मानता है, एक साल मान लीजिए, छः साल मानते हैं, छः साल, ठीक है, इसको तीन साल मानना पड़ेगा। इसको समय कितना मानते हैं अभी इस क्वेश्चन यहां बताऊंगा तो समझ में आएगा। इसको लाभ देखिए कितना लगाया, कितने समय के लिए लगाया, कितना लगाया कितने समय के लिए, कितना लगाया कितने, वही अनुपात बनता है 1/9, 1/4 और 1/6। देखिए ये सब चीजें आप कैसे देखिए जल्दी से कैसे करना है, आप चाहें तो 6 × 4 इसको मिलेगा 24 रुपया, इसको मिलेगा 6 × 9 54 मिलेगा, और इसको मिलेगा 4 × 9 = 36, ये 36 मिलेगा। इसको कट कर सकते हैं, इसको मिलेगा 12 तो इसको मिलेगा 27, इसको 6 से काट दीजिए, 6 से कट रहा, 6 × 4 = 24, 6 × 9 = 54 और 6 × 6 = 36, ठीक है ना, 6 × 6 = 36, 9 × 6 = 15, 4 = 19। यदि टोटल 19 रुपये का लाभ है, टोटल 19 रुपये का लाभ है तो इसको मिलेगा 6, 9 और 4 का मिलेगा, लेकिन टोटल लाभ है हमारा 3800 है, 200 गुना है तो इसको 200 गुना करना पड़ेगा। इसको मिलेगा 1200 तो इसको मिलेगा 2 × 9 = 1800 और इसको मिलेगा 2 × 8 = 800। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस ये तो आपको समझ में आ गया हैगा, यदि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो और भी आसानी से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको मैं जानता हूं कि यही आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। देखिए देखिए जैसे एक बटे तीन लेना है, एक बटे तीन लेना है, एक बटे दो लेना है, ठीक है, तो नीचे वाला एक बटे तीन का और दो का एलसीएम ले लीजिए, तीन का और दो का एलसीएम 6 होता है, ठीक है ना, 6, तो 6 का एक तिहाई कितना होता है? 2 होता है। 6 का एक बटा दो कितना होता है? 3 होता है, और बचा कितना? 1 बच गया, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात कैसा है? पूंजी का अनुपात है 2, 3 और 1। कैसे आया है? 6 माना कि कुल पूंजी है, कुल पूंजी 6 है, तो 6 का एक तिहाई कितना होता है? 2 होता है। 6 का एक बटा दो कितना होता है? 3 होता है, और बचा 1 हो गया। समय पूछा है, समय कि एक तिहाई के लिए लगाते हैं भाई साहब कौन? ए। यदि समय को एक साल मान लिया जाए तो एक साल का एक तिहाई कितना होता है? एक साल का एक तिहाई 4 होता है। एक साल का एक बटा दो कितना होता है? 6 होता है, और बचा एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी 4, 6 और 12, ये पाएगा 8, ये पाएगा 36, 18 और ये पाएगा 12। अनुपात वही बन जाएगा जो ये बना था, 6
दो चौके आठ, दो नौ अठारह और दो छक्का बारह, चार ने और छः बन जाएगा। तो आपको जो अच्छा समझ में आया है उसको फॉलो कर लीजिएगा। पूरी दुनिया बताती है तो मैंने भी आपको बता दिया, बाकी आप देख लीजिए कौन सा फॉलो करना है। तो दोस्तों आज हम लोग पार्टनरशिप पे लगभग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। पार्टनरशिप पे अभी दोनों वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल की हैं, अगली वीडियो थोड़ा सा हम और हाई लेवल करेंगे। जैसे ही पार्टनरशिप ख़त्म होता है एक नया चैप्टर हम लेंगे वर्क एंड टाइम, और वर्क एंड टाइम की हर वीडियो 30-30 मिनट की होंगी, बड़ा चैप्टर है इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गाँव में, टाउन एरिया में, जो भी कस्बे में रहते हैं, आप हमारी वीडियो को शेयर करके कमज़ोर छात्रों की मदद करेंगे। लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।